इवेंट होगा आज पक्का। पता नहीं कुछ तो था उस साइड को। बाहर निकला और मैंने क्या देखा बताया, स्नोफॉल हो चुका है पहाड़ों के ऊपर। तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पे। आज की वीडियो सुबह के 9 बजे शुरू हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश है और अभी रुकी नहीं है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो मैं निकल पड़ा हूँ आज कैंपिंग के लिए। तो आज होगी अपनी सोलो कैंपिंग और ना भाई ठंड इतनी है ना यहाँ पे, चल रही है आज ना लोकेशन कोई डिसाइड नहीं कि कहाँ जाऊँगा मैं, बस निकल पड़ा हूँ घर से और देखते हैं कहीं अच्छी लोकेशन मिलती है तो आज कैंपिंग करेंगे। और देखो मौसम भाई बहुत ही ख़तरनाक है, बारिश हो रही लगातार 2 दिनों से। ये वाली जगह मुझे सही लग रही है क्योंकि यार बारिश में ज़्यादा इधर उधर घूमना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, तो यहाँ पर शायद टेंट आ जाएगा अपना, इतना स्पेस है यहाँ पे, तो यहीं पे मैं टेंट पुट कर लेता हूँ। अभी जितनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश में कैंपिंग का मज़ा आता है वैसे, ज़रा तेज़ बारिश होती है तो फिर वो फील नहीं आ पाता। पिछले 36 घंटों में एक बार भी बारिश रुकी नहीं है, लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसका मतलब है कि जो ऊंचे पहाड़ है ना उनमें
स्नोफॉल हुआ होगा पक्का। अगर कल मौसम साफ हुआ ना तो वाइट वाइट माउंटेन देखने को मिलेंगे एकदम। इतनी ठंड, वाकई में ऐसा लग रहा है ना जैसे कि विंटर आ गया हो। पिछले 4-5 दिनों से एकदम ही मौसम चेंज हो गया, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत ज़्यादा ठंड भाई। ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है भाई। चाय बनाएंगे आज, एक चाय पीते हैं पहले। अरे यहाँ पे एक डॉग आया है, इसलिए यार अपने पास कुछ था। ब्रेड आजा, ले आजा, आ ले ले। बैठ जा, क्या देख लिया भाई? वो देख कैमरा। हाँ तो बारिश के बाद अभी चल रहे तेज हवाएं, देखो बाहर पे पेड़ पूरे हिल रहे हैं भाई। ओहो अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ा स्लीपिंग बैग में घुस के बैठ जाऊं, लेकिन यार बार बार बाहर जाके सूट भी करना होता है ना, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो अभी शाम का टाइम होने जा रहा है, बारिश तो रुकेगी नहीं, पर अब मैं बनाऊंगा खाना। तो एक बारी चावल बनाने, मुझे चावल बना लेता हूँ। बाहर पर तो कुकिंग पॉसिबल नहीं है आज, अभी अंदर ही करना पड़ेगा। साहब क्या बारिश हो रही है, ऐसी हवा अगर चलती रही ना टेंट भी उड़ सकता है भाई साहब। पूरे पेड़ पौधे ही हिल रहे हैं, खतरनाक बारिश।
तो चावल बन चुका है, अभी करते हैं चॉपिंग। तो चावल के साथ आज पनीर खाएंगे। सबसे पहले अपने को चाहिए दही, क्योंकि मैरिनेट करेंगे हम पनीर को। ये आ गया दही, इसमें डालेंगे हम मसाले। जीरा पाउडर हो गई और ये आ गया थोड़ा गरम मसाला। थोड़ा आज अलग टाइप से बनाते हैं दही के साथ। थोड़ा लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा किचन किंग, नमक, बरसात के टाइम पर ना खाना खाने का एक अलग मज़ा है। आप बताओ, अगर बारिश हो तो कुछ खाने का मन करता लगातार। जिंजर गार्लिक पेस्ट बच गया थोड़ा, इतना काफ़ी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा। पनीर भी कट कर लेते हैं। थोड़े बड़े पीस रखेंगे।
लगता है टेंट उड़ेगा आज पक्का। नहीं भाई साहब, क्या हवाएं चल रही हैं। अब तो टेंट ही बंद करना पड़ेगा। ये पानी की बूंदें सीधे अंदर आ रही है, और ऐसे रहा तो अंदर स्विमिंग पूल भी बन सकता है। चलो अभी बनाते हैं। टेंट को खोलना ही पड़ता है यार नचाते हुए भी, क्योंकि स्टीम उठता है जिससे लेंस पे आ जाता है मॉइस्चर, तो वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है उसके बाद। चलो लगभग ये हो चुका है, अभी इसमें ऐड करूँगा जो पनीर मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। अब टाइम आ चुका है इसको इसमें ऐड करने का। अगर अंदर ही अंदर बैठ के कैंपिंग वीडियो शूट करनी होती ना तो भाई मज़ा आता वाकई में, पर बाहर से भी कुछ शॉट दिखाने पड़ते हैं, वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेक रेन साउंड लगा दिए। ये रेडी है, इसमें ऐड करते हैं अभी। चलो ये जाएगा इसमें।
आज लगभग शाम के 5:30 या 6 के आसपास का टाइम हो रहा है और खाना बन चुका अपना। बारिश में कुछ करने को है नहीं, वैसे ग्रुप कैंपिंग वगैरह रहता तो कुछ टाइम लग जाता, लगभग रात ही जाती, लेकिन सोलो कैंपिंग में ये भाई अब तो लगता नहीं है कि बारिश रुकने वाली है। लगभग शाम होने जा रही है पर बारिश सुबह से हो रही है, अभी तक एक बार भी नहीं रुकी भाई, एक मिनट नहीं रुकी, तो मुश्किल है आज रुकना भाई। और अभी तो इतनी बढ़ गई है बारिश, देखो आप पूरे भाई। फिर ऐसे में वही है भाई, टेंट के अंदर बैठ के टेंट क्लोज करके बैठना पड़ता है, वरना ठंडी ठंडी हवाएं अंदर तक आती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक कहाँ गया था, तो मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना भाई, आपने फ़िलहाल के टाइम में वो चीज़ें देखी नहीं होंगी। तो आज ना जैसे मैं बाहर निकला, बारिश बन हुई, बाहर निकला और मैंने क्या देखा बताया, आप भी देखो एक बारी भाई, स्नोफॉल हो चुका है पहाड़ों के ऊपर। मैंने कहा था ना वीडियो में कि स्नोफॉल हुआ होगा पहाड़ियों के ऊपर, और जैसे ही बारिश बन हुई जो नज़ारा देखने को मिल रहा ना, पूरे पहाड़ों में एकदम मस्त स्नोफॉल हुआ है और भाई एक्साइटमेंट और बढ़ने लग गई, कब भाई स्नोफॉल होगा यहाँ तक भी और कब स्नो कैंपिंग करेंगे, मज़ा आएगा भाई। अब यार रात लगभग हो गई है, अभी मुझे खाना गर्म करके खाते हैं अभी, क्योंकि खाना हो चुका है ठंडा। पनीर को फिर से गर्म कर लेता हूँ मैं भाई, ऐसे में गर्मा गर्म खाना क्या बात है, मज़ा आएगा खाते हुए। उबल चुका पनीर, अभी चावल ले रहे, अभी गर्मा गर्म परोसते हैं और खाते हैं। तो दिन भर की ठंड के बाद सबसे सुकून वाला जो माहौल, जो टाइम आ चुका है, यानी गर्मा गर्म खाना, वाह। पता नहीं कुछ तो था उस साइड को, शायद जो डॉग सुबह आया था वो भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ आ जाता है वैसे।
तो जल्दी से खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद भाई एकदम स्लीपिंग बैग में घुस के सुबह तक मस्त नींद आने वाली है, बस रात में ज़्यादा बारिश ना हो। खाना खा लिया है, अब सोने की बारी। भाई यहाँ पे जो नींद आने वाली ना आज, मज़ा आएगा भाई ठंडे ठंडे मौसम में। वाह, अब तो विंटर आ ही गया, तो अब फिर से विंटर वाला जो स्लीपिंग बैग है वो यूज़ करना होगा, वरना नॉर्मल स्लीपिंग बैग में रात भर ठंड से नींद नहीं आती भाई। चलो अभी सो जाते हैं। ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को एंड भी करते हैं, और आज का अभी तक अपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो आज का कोड रहेगा स्नोफॉल, क्योंकि आज स्नोफॉल देख लिया तो आप ज़रूर कमेंट करना स्नोफॉल। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अभी मैं सोता हूँ।